इधर चल रहा है हमारा राजस्थानी मूवी फिल्म चल रहा है और फिल्म शूटिंग हो रहा है। और इधर देख सकते हो हमारे मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी मांगीलाल जी गरासिया साहब यहाँ पहुँच चुके हैं और डायरेक्टर सर उनका वेलकम करने जा रहे हैं। वो नीचे आ रहे हैं, तब तक आपको दिखाते हैं फिल्म का शूटिंग। खड़े हो, नीचे खड़े हो, मारो, एकदम से गिर जाओ नीचे। दूसरी लगाओगे ना ये? तो देख सकते हो ये चल रहा है राजस्थानी मूवी का शूट, शूटिंग हो रहा है, मेकिंग मूवी। और इधर आ गए हैं स्थानीय गोगुंदा क्षेत्र के विधायक, पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व मंत्री जी यहां पहुंच चुके हैं। मंत्री जी और इनका टीम पूरा आ चुके हैं शूटिंग स्थल, आपको दिखा रहे हैं पिक्चर की स्टोरी बता रहे हैं आप। डायरेक्टर सर जी पिक्चर स्टोरी बता रहे हैं। जो स्टोरी लिखा है उसका हमारे कैरेक्टर का नाम ही मंगल है, मांगी की जगह पर हमने मंगल कर दिया है। हारत दे रही है। और वो क्या होता है कि हमारे जो हीरो होता है बहुत बढ़िया, तो लोग गायक होता है और वो राणा प्रताप जी के वो राणा पुंजा के वो सुनाता है वो उसकी गीत, हमने पूरा हल्दी घाटी करके दिखाया। तो साथियों देख सकते हो आपको हमारे डायरेक्टर सर विपिन तिवारी जी बता रहे हैं, जो यही इसी जगह शूट हुई थी इसी क्षेत्र में, बाहुबली राजस्थानी बाहुबली की स्टोरी बता रहे हैं। शॉर्ट में आप भी सुनिए स्टोरी। उसने एक पद्धति किया कि पहाड़ों को काट करके नाली की तरह जहाँ जहाँ मोड़ है और उसमें नारियल का पेड़ डाल करके वो नाली का रास्ता बना देता है और वो बाद में वो रामकुंडा डैम बनता है जो झरना बहता है। तो रामकुंडा झरने की कहने की कहानी है बाहुबली। हमारा हीरो का नाम है, उस आदमी को ढूंढना है। ये जो रामकुंडा में बाबा था ना, ये उसको ढूंढना है बाबा, उसको उससे मैं मिला था 98 में। उस समय वो जिंदा थे, वो बताते थे पूरा, ये जहाँ शेर पानी पीने आते थे, ये करते थे वो करते थे, जहाँ जहाँ मौका था पहाड़ होते ना, दाई बीच की जगह हो गई तो पानी बह के इधर आ गया, वहाँ पर बना दिया। और एक कहानी तो ये है, और एक कहानी अपने को डेवलप करनी है रामकुंडा की, जब फिल्म सिटी वगैरह बनाने सोचेंगे ना कि साहब रामचंद्र जी सबरी थी, वो आदिवासी थी, तो सबरी का जब बेर खा लिए तो सारा सूखा पड़ा हुआ था, उन्होंने कहा पानी की कैसी व्यवस्था की जाए, तो उन्होंने तीर मार करके वो दाड़कुंडा में वो झरना निकाल दिया। ये कहानी को अपने को आगे डेवलप करनी है, बाण गंगा की तरह से राम के बाण से गंगा निकली, वो बाण गंगा बन गई। बात नहीं है ये कभी कभी ही बनाते हैं सर। ये तुलसीदास जी अगर नहीं होते तो राम को कौन जानता। उन्होंने कहा ही था कि राम वो जगह देखा कि आप नहीं होते तो राम सुनना और भेजला क्या तुलसीदास जी ऐसे जगह से मिल रहे थे वहां एक दूसरे निकाल के।